हेलो माय डियर स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर साउंड एंड सेफ एट योर होम डियर स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो दैट वी हैव कंप्लीटेड आवर लेसन फर्स्ट फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर टुडे वी विल स्टार्ट आवर लेसन सेकंड फ्रॉम इंग्लिश रीडर आवर फर्स्ट लेसन वाज टोल ट्रेज ना आवर सेकंड लेसन इज द हैप्पी प्रिंस जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ये स्टोरी किसके बारे में है एक हैप्पी प्रिंस के बारे में है वट इज इन दिस स्टोरी किड्स इस स्टोरी के अंदर किसके बारे में बताया गया है लव के बारे में बताया गया है हैप्पीनेस के बारे में बताया गया है चैरिटी के, के बारे में बताया गया है कि हमेशा हमें दूसरों की क्या करनी चाहिए मदद करनी चाहिए और दूसरों को हमेशा खुश रखने की क्या करनी चाहिए कोशिश करनी चाहिए इस स्टोरी के अंदर जब वो हैप्पी प्रिंस वहन वेन ही वोज अ लिविंग पर्सन ना Uh, gain, प्राप्त कर सकता था वो उसने सारी हैप्पीनेस अपनी जिंदगी में मिली लेकिन जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसका क्या बनाया जाता है कि स्टैचू बनाया जाता है लेकिन वो क्या सोचता है वो हमेशा यही सोचता है कि वो किसी ना किसी तरीके से सभी को क्या करे खुश रखे सो डियर के इस स्टोरी के अंदर क्या होता है इस स्टोरी के अंदर जब उसके प्रिंस की जो प्रिंस का जो स्टेचू बनाया जाता है ना उसको स्टोन वगैरह से डेकोरेट भी किया जाता है तो इस स्टोरी के अंदर वो लोगों की हेल्प करने के लिए अपने स्टोन तक को भी क्या कर देता है लोगों की भलाई के लिए वो दे देता है बाय द हेल्प ऑफ स्वेलो सो डियर केस Is in this story, we will read this lesson and come to know. So, dear kids, open your English reader book. So, dear students, let's start. The name of our chapter is The Happy Prince. What is the name of our chapter? The Happy Prince. Warm yourself up. In this story, we learn. अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ चैरिटी एंड दैट लव एंड सेक्रीफाइस कैन एंडियर अस टू गॉड इन दिस स्टोरी इस स्टोरी के अंदर हमें किसके इंपोर्टेंस के बारे में पता चलेगा इम्पोर्टेंस ऑफ चैरिटी क्लियर एंड दैट लव एंड सेक्रीफाइज एक तो चैरिटी के बारे में पता चलेगा कि चैरिटी के क्या इंपॉर्टेंस है ठीक है और दूसरा लव एंड सेक्रीफाइज कि लव और सेक्रीफाइज सेक्रीफाइज क्या होता है दूसरे के लिए कुछ करना बलिदान करना कैन एंजियर अस टू गॉड हमें किसके साथ मीन्स एंजियर मीन एक तरह से प्यार करना किसके साथ प्यार करना सिखाता है हमें गोड के साथ क्लियर द प्रिंस इन द स्टोरी इज़ नो लिविंग प्रिंस इन दिस स्टोरी जो नेम है स्टोरी का द हैप्पी प्रिंस इस स्टोरी के अंदर प्रिंस अब क्या है लिविंग नहीं है वो जीवित नहीं है ठीक है ही इज द स्टैचू ऑफ अ डेड प्रिंस अब वो एक स्टैचू बन गया है एक डेड प्रिंस का डेकोरेटेड जो डेकोरेट है विद गोल्ड लीव्स एंड प्रीसियस स्टोन्स जिसपे गोल्ड के लीव्स हैं और प्रीसीस स्टोन्स हैं वैल्यूएबल स्टोन है He is known as the Happy Prince because there is a smile on his lips. और उसको क्या जाना जाता है एक Happy Prince कहाँ जाता है Why? Because there is a smile. हमेशा क्या रहती है उसके lips के ऊपर smile रहती है clear? Why he is called Happy Prince? Because there is a smile on his lips. This is a story about a प्रिंस हैड गोट एवरी थिंग इन हिज लाइफ ये एक स्टोरी है एक प्रिंस के बारे में जिसने अपने लाइफ में हैड गोट एवरी थिंग हर एक चीज़ मिली उसको जो उसको चाहिए थी ही हैड नोट सीन एनी सौरो इन हीज़ लाइफ सौरव मीन्स दुख ग्रीव उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई शौर नहीं दिखा नहीं देखा ही हैल्प हिज पीपल इन वट एवर वे ही कुड और जिस भी तरीके से वो अपने पीपल की अपनी प्रजा की अपने लोगों की हेल्प कर सकता था उसने की एज़ इट हैपन्स विद एवरी बडी वन डे द प्रिंस ऑल्सो लेफ्ट दिस वल्ड जैसा कि सभी के साथ होता है एक दिन प्रिंस ने भी इस वर्ल्ड को क्या कर दिया लेफ्ट कर दिया छोड़ दिया मीन्स उसकी क्या हो गई डेथ हो गई पीपल वेरी सैड एंड अनहैप्पी लोग बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी हुए वाई क्योंकि वो लोगों की क्या करता था हमेशा मदद करता था हेल्प करता था पीपल मेड हिज स्टैचू पीपल मेड हिज स्टैचू इन हिज मेमरी और लोगों ने उसकी मेमरी में उसकी याद में क्या बनवाया स्टैचू बनवा दिया उसका द स्टैचू वॉज मेड अप ऑफ लीड एंड अडॉन विद वेरियस ज्वेल्स और जो स्टेचू था वो किसका बना हुआ था लेड यानी कि एक तरह की जो सॉफ्ट मेटल था धातु था उसका एंड अडोन्ड मीन्स डेकोरेट था विद वेरियस ज्वेल्स बहुत सारे जैसे उसमें क्या थे गहने थे यानी एक तरह से वेल्यूएबल स्टोन थे उसके अंदर ब्लू ज्वेल्स विक्सड इन हिज आईज उसकी आइस के अंदर क्या था ब्लू ज्वेल्स था ठीक है जो ज्वेलरी थी आइस के अंदर ब्लू कलर का उसके अंदर स्टोन था द स्टेचू वॉज कैप्ट ओवर अ पिलर एट द सेंटर ऑफ द टाउन सो दैट एवरीबडी माइट रिमेंबर हिम द स्टेचू वॉज कैप्ट स्टैचू को रखा गया ओवर आ पिलर एक पिलर के ऊपर एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर एट द सेंटर ऑफ द टाउन जो टाउन का जहाँ पे सेंटर था ना एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर उसको मिड में रखा गया सेंटर में रखा गया सो दैट एवरीबडी माइट रिमेंबर हिम ताकि हर एक उसको याद कर सके क्या किया गया उसका एक स्टैचू बनाया गया और एक पिलर के ऊपर उसके स्टैचू को जो सेंटर था टाउन का वहाँ पे उसको रखा गया और उसको डेकोरेट किया गया वेरियस वैल्यूएबल स्टोन्स लगा के क्लियर वंस अपॉन आ टाइम आ स्वेलो केम टू विजिट द प्लेस एंड स्टॉप बिटवीन द फीट ऑफ द स्टेचू वट हैपन्ड वन डे एक दिन क्या हुआ एक स्वेलो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर इट इज हेयर एक स्वेलो क्या हुआ स्वेलो क्या है एक एक बर्ड का नेम है जो वहाँ पे आया उस प्लेस का विजिट करने के लिए आया एंड स्टॉप और रुका बिटवीन द फीट ऑफ द स्टैचू जो इस स्टैचू के जो फीट हैं इनके बीच में वो रेस्ट करने के लिए रुक गया ड्यूरिंग नाइट वैन द स्वेलो वॉज गोइंग टू स्लीप अ ड्रॉप फेल ऑन हिज हैड वट है इन नाइट नाइट में क्या हुआ जब स्वेलो सो रहा था तो एक ड्रॉप उसके हेड के ऊपर गिरी पानी की ही लुक्ड अप एंड सा लेकिन वो वोटर नहीं था बट ही सा ही टीयर्स कमिंग आउट फ्रॉम द आइज ऑफ द स्टैचू टीयर्स आ रहे थे कहाँ से आ रहे थे टीयर्स आंसू कहाँ से आ रहे थे स्टैचू की आइज में से ही बिकेम वेरी सैड और ऐसा देख वो क्या हो गया बहुत ही ज्यादा सैड हो गया वाई आर यू क्राइंग माई डियर आस्ट द स्पैरो और जो स्वेलो था स्वेलो क्या है एक टाइप की क्या होती है स्पैरो होती है एक चिड़िया होती है वट ही आस्क ही आस्क टू द स्टैचू वाई आर यू क्राइंग आई हैव बीन आई हैव सीन एवरी थिंग हैपी इन माई लाइफ अब स्टैचू बोल रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में आई हैव सीन एवरी थिंग हर एक चीज़ मीन्स हैप्पीनेस देखी है मैंने अपनी लाइफ में बट हे आई एम सीन डैट समबड़ी इज अनहैप्पी एंड सैड रिप्लाईड द प्रिंस लेकिन अब प्रिंस ये कह रहा है मैंने तो हर एक खुशी मिली है अपनी ज़िंदगी में लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कोई क्या है बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी है सैड है दैट्स वाई जो प्रिंस था वो रो रहा था टीयर्स उसकी आंखों से आ रहे थे क्लियर सो डियर किड्स टुडे वी विल रीड अप टू हेयर ओनली व्हाट विल यू डू यू विल रीड दिस पेज अगेन एंड यू विल अंडरलाइन डिफिकल्ट वर्ड्स